गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सी इन टुडेज क्लास इट इज अबाउट चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल. स्टूडेंट्स इन क्लास 4 चैप्टर नंबर 9 वी लर्न अबाउट द वर्ड होल स्पेलिंग WHOLE. व्हाट इज मीन बाय होल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस होल? बच्चों आपने इंग्लिश में भी होल शब्द पढ़ा है, वर्ड को पढ़ा है, उसका स्पेलिंग आपका ये होगा HOLE होल. बट इस होल का मतलब क्या होता है? इस होल का मतलब होता है छेद, होल बनाना, छेद बनाना. लेकिन आज की क्लास में जो वर्ड है WHOLE होल, इस वर्ड का मतलब कुछ और है. अपने क्लास 4 में चैप्टर नंबर 9 मैं आपको इस होल का मतलब पढ़ाता है, आपको याद है? इस होल का मतलब होता है होल थिंग्स, कंप्लीट थिंग्स. होल मीन्स पूरा, एक कंप्लीट, कंप्लीट थिंग्स. होल डे कंप्लीट डे, वन डे होल नाइट कंप्लीट नाइट, होल मंथ कंप्लीट मंथ, लाइक दैट. ओके सी नाउ टुडे इट इज अबाउट पेज नंबर 50. टुडे इट इज अबाउट पेज नंबर 50. Draw a rectangle of length 8 cm and width 6 cm. आपको अभी आपकी कॉपी में 8 cm का लेंथ मीन्स लॉन्गर साइड एंड 6 cm का ब्रेथ मीन्स शॉर्ट साइड आपको यहां पर लेकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. डिवाइड इट इंटू 3 इक्वल पार्ट्स. तो देखिए अभी यहां पर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा. तो बच्चों मैं अगर रेक्टेंगल आपका 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ करूंगा तो ब्लैक बोर्ड में आपको बहुत छोटा दिखेगा, इसलिए मैं यहां पर एक सैंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा और उसमें मेजरमेंट लिखूंगा लेंथ इक्वल टू 8 एंड ब्रेथ इक्वल टू विड्थ इक्वल टू 6. बट जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको अपने स्केल से मेजरमेंट लेके रूलर से 8 सेंटीमीटर लेंथ और 6 सेंटीमीटर ब्रेथ लेके ड्रॉ करना है. तो बच्चों सी इट इज वन रेक्टेंगल. Suppose this is 8 cm and this is 6 cm. Now see, this is your rectangle. Okay? Now divide it into 3 equal parts. Now you have to divide this rectangle into 3 equal parts. Again, we remember about your class 4, chapter number 9. In same chapter, we learn about how to divide rectangle into three different way. अब हमें यहां पर rectangle को क्या करना है बच्चों? एक different way three part में divide करना है. तो what do you think? आपको क्या लगता है? Is there only one way to divide this rectangle into three equal part? क्या इस rectangle को आपको three equal part करने divide करने के लिए क्या only one way है? या इज देयर एनी अदर मोर वे? क्या और भी कोई तरीके है? तो आइए आज हम पहला तरीका स्टार्ट करते हैं. सी दिस इज वन वे. दिस वे वी कैन डिवाइड दिस रेक्टेंगल इंटू थ्री पार्ट. नाउ वन मोर वे इज देयर. उसमें और एक तरीका है, वो तरीका देखिए. अगेन आई विल ड्रॉ ए रेक्टेंगल. सी दिस इज वन रेक्टेंगल. दिस वे ऑल्सो यू कैन ड्रॉ. नो दिस वे ऑल्सो वी कैन डिवाइड दिस रेक्टेंगल इनटू थ्री पार्ट्स. हम इस तरह भी रेक्टेंगल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. बट इन दिस क्लास ओनली वी विल डिस्कस अबाउट एनी वन वे. सी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस वे ओनली. ओके नाउ कलर ईच पार्ट बाय यूजिंग डिफरेंट कलर. नाउ यू हैव टू कलर ईच पार्ट बाय यूजिंग डिफरेंट कलर. सी हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? थ्री पार्ट्स आर देयर. ओके कलर दिस पार्ट बाय यूजिंग दिस ग्रीन कलर. इट इज लाइट ग्रीन कलर. सी नेक्स्ट आई हैव टू यूज येलो कलर हियर.
ओके नेक्स्ट आई विल यूज हियर वन मोर डिफरेंट कलर दिस इज पिंक कलर दिस इज पिंक कलर सी नाउ this rectangle is divided into three parts and each part is colored by using different color now first of all you see this picture and then come to your questions question number 1 what part of the rectangle is color green what part of the rectangle is color green इस रेक्टेंगल का कौन कितना पार्ट व्हाट पार्ट इस कलर ग्रीन तो बच्चों अक्सर इसमें मिस्टेक करते हैं कि व्हाट पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल इज कलर ग्रीन तो बच्चे हम जनरली आंसर देते थे सर वन टू लाइक दिस टू आंसर बट दिस आंसर इज नॉट सफिशियंट आंसर नॉट करेक्ट आंसर तो सी हाउ टू राइट व्हाट पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल इज कलर ग्रीन इस रेक्टेंगल का कितना पार्ट आपको ग्रीन कलर किया है वंस अगेन यू सी दिस चार्ट दिस टेबल दिस रेक्टेंगल इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स थ्री सो वी हैव टू राइट लाइक दिस टोटल नंबर ऑफ पार्ट आर थ्री टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर थ्री एंड आउट ऑफ दिस थ्री इक्वल पार्ट हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर ग्रीन वन ओनली वन पार्ट इज कलर ग्रीन So this is denominator and this is numerator. Denominator indicate total number of equal parts. See total number of equal parts three and this is numerator. Out of three parts, how many parts are color green? Only one part is color green. So our answer is here. Our answer is here. 1/3 part. Is green. One by three part is green. तो ये total जो whole sheet का 1/3 part is green. Now again, what part of the rectangle is color yellow? अब यहाँ पर जो rectangle है again, इस rectangle का कौन सा part आपको यहाँ पर कितना part? What parts? कितना parts यहाँ पर yellow color किया है? What part of the rectangle is color yellow? Again see. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर थ्री टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर थ्री एंड आउट ऑफ दिस थ्री इक्वल पार्ट अगेन ओनली वन पार्ट इज कलर येलो हियर सो आवर आंसर इज 1/3 पार्ट्स पार्ट इज येलो ही है ओके तो हम शॉर्ट में लिखेंगे यहां पर 1/3 ग्रीन एंड 1/3 येलो ओके यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सी व्हाट कलर इज इन मोस्ट पार्ट्स व्हिच कलर इज इन मोस्ट पार्ट ये जो आपका रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल में जो आपके थ्री पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स पे थ्री डिफरेंट कलर हैं, लेकिन विच कलर इज इन मोस्ट पार्ट कौन सा कलर मोस्ट पार्ट्स में है देखिए तो सी दिस ग्रीन कलर इट इज इन 1/3 पार्ट्स दिस येलो कलर अगेन इट इज इन 1/3 पार्ट्स नाउ सी इट इज ऑल्सो इन पिंक कलर इट इज ऑल्सो इन 1/3 It is जो पिंक कलर है इट इज ऑल्सो इन योर 1/3 पार्ट तो सी दिस रेक्टेंगल डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट इक्वल पार्ट एंड ईच कलर इज ओनली यूज फॉर वन पार्ट देन नो कलर इज मोर इन एनी पार्ट ईच कलर इज इन इक्वल पार्ट सो अवर आंसर इज हियर विच कलर इज इन मोस्ट पार्ट
विच पार्ट इज इन मोस्ट कलर वेन नो कलर इज इन मोस्ट ऑफ पार्ट्स. नो कलर इज इन मोस्ट ऑफ पार्ट्स. ईच कलर इज यूज इन इक्वल पार्ट्स. एंड आंसर इज 1/3 पार्ट्स. सी ईच कलर इज इन इज यूज इन इक्वल पार्ट्स. सी ग्रीन कलर इन 1/3 पार्ट्स, येलो कलर इन 1/3 पार्ट्स, एंड अगेन पिंक कलर इन 1/3 पार्ट्स. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम पेज नंबर 52. ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. तो बच्चों आपको अपने क्लास 4 में कार्स चैप्टर नंबर 8 कार्स एंड व्हील में हाउ टू ड्रॉ द सर्कल ये आपने पढ़ा था. अगेन हियर वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल ऑफ गिवन रेडियस. एनी रेडियस मे बी देयर. यहां पर जो रेडियस बताया हमें दैट इज 3 सेंटीमीटर. तो आइए हम आपको एक ऐसे अब क्या करेंगे, कंपास पे पेंसिल लगाइए और पेंसिल लगा के उसका कंपास में आप स्केल से रूलर पर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लीजिए एंड देन यू पुट योर कंपास हियर एंड देन यू पुट ड्रॉ लाइक दिस सर्कल, ड्रॉ लाइक दिस. ओके, देन योर सर्कल विल बी रेडी ऑफ 3 सेंटीमीटर. देन सी योर सर्कल विल बी लाइक दिस. यस, थोड़ा सा मेरा करेक्ट नहीं है लेकिन आपका जब ड्रॉ करेंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने फ्री हैंड से निकाला है. ये डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. आइए हम सर्कल को डिवाइड करते हैं 8 इक्वल पार्ट्स में. ये कितना हुआ, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हुए, 6 हुआ, 8 पार्ट्स हुआ. ओके, चलिए सो हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर देयर, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर इस पिक्चर में, सर्कल में कितने कितने पार्ट ड्रॉ किए बेटा मैंने, 8 पार्ट्स. सो आपका यहां पर क्या होगा, ईच पार्ट इज, एक पार्ट जो है वो क्या है, सी टोटल पार्ट्स आर 8, सो दिस पार्ट इज 1 पार्ट आउट ऑफ 8, सो 1/8 लिखेंगे हम, 1/8, दिस इज ऑल्सो 1/8, इट इज ऑल्सो 1 पार्ट आउट ऑफ 8, 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 1 पार्ट आउट ऑफ 8 एंड 1 पार्ट आउट ऑफ 8. सो ईच पार्ट इज 1/8, ईच पार्ट इज 1/8, मतलब ईच पार्ट इज 1 इक्वल पार्ट आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट. ईच पार्ट इज 1/8 इज 1 इक्वल पार्ट आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट. नाउ क्वेश्चन 2, कलर 2/8 रेड. अब यहां पर बताया कि हमें 2/8 है, दैट 2/8 यू हैव टू कलर बाय यूजिंग रेड कलर. अब 2/8 मींस हाउ मेनी पार्ट यू विल कलर बाय यूजिंग रेड कलर. तो कितने पार्ट्स को आप यहां पर रेड कलर का यूज करके कलर करेंगे, हाउ मेनी पार्ट्स यू विल यूज बाय यूजिंग रेड कलर. तो 2/8 विद टोटल 8 पार्ट्स आर देयर. Out of these 8 parts, you have to color red color by using red color. Only 2 parts, any 2 parts you have to color by using red color. So see, I write that red, red, R, R. R for red. But you don't write like this R, R. You can put your red color. So you can use here crayon red color and only light color. Don't try to make the dark color. So here, R means red, R means red in 2 parts red color. Color 1/8 orange. 1/8 means any 1 part out of 8 parts. So you can put here orange color, O for orange. Again, you don't write only O, you can put orange color. Then color 1/8 yellow. How many parts you have to put yellow color? In 1 part only, again yellow color. Only 1 part in yellow. Now, next question.
व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल इज विदाउट कलर, इज विदाउट कलर। ये जो आपने सर्कल यहां पर ड्रॉ किया है और सर्कल में आपने कुछ पार्ट को कलर किया है, आफ्टर कलरिंग सम पार्ट व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल इज विदाउट कलर, मतलब सर्कल का कौन सा पार्ट ऐसा है कि जिसमें कलर नहीं किया है। तो सी दिस टू आर रेड ऑरेंज एंड येलो, देन टोटल पार्ट आर एट एंड आउट ऑफ एट दिस 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 एंड दिस आर विदाउट कलर, देयर इज नो एनी कलर। सो हाउ मेनी पार्ट, वन टू थ्री एंड फोर, ये जो फोर पार्ट है, फोर पार्ट आर विदाउट कलर, बट इफ यू विल राइट ओनली फोर पार्ट आवर आंसर इज नॉट करेक्ट। सो व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट फोर बाय एट, फोर बाय एट। व्हाई फोर बाय एट, क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट आर एट एंड आउट ऑफ दिस एट पार्ट फोर पार्ट इज विदाउट कलर। ओके, इज विदाउट कलर, फोर बाय एट इज विदाउट कलर, मीन फोर आंसर आपका फोर बाय एट जो है इज विदाउट कलर, देर इज नो एनी कलर इन दिस फोर बाय एट पार्ट, मीन फोर पार्ट आउट ऑफ एट पार्ट। तो बच्चों आज की क्लास में आपको कितना ही डिस्कशन करेंगे, तो मैं अभी आपका जो वीडियो है, इस वीडियो का जो क्लास हुआ है, इस क्लास का मैं आपको ये फोटो निकाल के आपके ग्रुप में देता हूँ फोटो। तो बच्चों जो आपका वीडियो होने के बाद आप इसको फोटो को देख के भी आपके कॉपी में आंसर पूरा कर दीजिए। ओके, अगली बार हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।